एक मंत्र के जाप से क्या हो जाएगा। योगिक परंपरा में एक बहुत बढ़िया कहानी है। एक दिन एक योगी जो काफी सिद्धि प्राप्त कर चुका था शिव के पास जाकर बोला, यह सब क्या है? आपके भक्त दुनिया में हर तरह का शोर मचा रहे हैं, वे हर समय चिल्लाते रहते हैं, वे क्या कर रहे हैं? आप उनसे यह बकवास बंद करने को क्यों नहीं कहते? शिव बोले, चलो एक प्रयोग करते हैं। यहां एक कीड़ा रेंग रहा है, उसके पास जाकर शिव शंभो बोलो, देखते हैं क्या होता है। योगी उपेक्षा के भाव से भरा था, वो कीड़े के पास गया और बोला, शिव शंभो, कीड़ा वहीं मर गया। योगी हैरान रह गया, मैंने बस यह मंत्र कहा, आपका नाम लिया और कीड़ा मर गया, ऐसा कैसे हुआ? शिव ने एक तितली की ओर इशारा किया और बोले, तितली की ओर ध्यान दो और बोलो शिव शंभो। योगी ने कहा, नहीं, मैं तितली को मारना नहीं चाहता। शिव ने कहा, कोशिश करो। योगी ने तितली की ओर देखकर कहा, शिव शंभो, और तितली मर गई। योगी बहुत बेचैन हो उठा और बोला, अगर इस मंत्र से यह होता है तो कोई भी इसका जाप क्यों करना चाहेगा? शिव मुस्कुराते रहे और एक खूबसूरत हिरण को देखा जो वहां उछल कूद रहा था। उन्होंने कहा, इस हिरण को देखो और बोलो शिव शंभो। योगी ने कहा, नहीं, मैं उसे मारना नहीं चाहता। शिव ने कहा, उससे फर्क नहीं पड़ता, मंत्र बोलो। योगी ने कहा, शिव शंभो, और वह हिरण भी मर गया। योगी बहुत परेशान हो गया, इस मंत्र का उद्देश्य क्या है, यह सभी को मार रहा है। तभी कोई माता अपने नवजात शिशु को शिव के पास आशीर्वाद दिलाने लाई। शिव ने योगी से कहा, क्यों ना तुम उस मंत्र को इस शिशु के सामने बोलकर देखो। योगी बोला, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं इस बच्चे को मारना नहीं चाहता। शिव बोले, बोलो। योगी बहुत हिचकिचाहट के साथ बच्चे के पास जाकर बोला, शिव शंभो। वह नवजात शिशु उठकर बैठ गया और कहने लगा, मैं एक कीड़ा था, आपने मंत्र का उच्चारण किया तो मैं तितली बन गया, आपने मंत्र बोला तो मैं हिरण बन गया, फिर आपने मंत्र बोला तो मैं इंसान बन गया, बस इसे एक बार और बोले, मैं चैतन्य को पाना चाहता हूं। यही है मंत्र की शक्ति। अगर कोई साधक किसी भी मंत्र का पूर्ण निष्ठा से जाप करे तो कुछ भी असंभव नहीं है।